ये हमारा एल्केन का रिप्रेजेंटेशन है, आर एच जो क्या होता है, लेस रिएक्टिव, ये नेचर वाइज लेस रिएक्टिव होते हैं। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करना और इक्वल नंबर में हेलोजन आइटम को ऐड करने पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होता है उसका नाम है हेलो एल्केन। ये हमारे एरिन से, एरिन से एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव की और इक्वल नंबर में हेलोजन आइटम को ऐड की तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टेन होता है उसी का नाम क्या है, हेलो एरिन्स। मोनोमत एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास सिर्फ एक हेलोजन आइटम रखता हो, जैसे CH3Cl एक हेलोजन आइटम रख रहा है, तो यह क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। ये हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एक हेलोजन आइटम रख रहा है, तो ये हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन। एरिन्स मत एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास एक हेलोजन आइटम को कंटेन करता हो गया हमारा मोनो हेलो एरिन्स। ये हमारा एल्केन है जो दो टो हेलोजन आइटम को कंटेन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डाहेलो एल्केन। एक ऐसा एल्केन जो थ्री हेलोजन आइटम को कंटेन करता हो रखता हो गया हमारा ट्राईहेलो एल्केन। ये हमारा एरिन्स है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके पास दो टो हेलोजन आइटम है, तो ये हमारा डाहेलो एरिन्स का एग्जांपल है। ये हो गया हमारा हेलोजन आइटम, इसके पास थ्री हेलोजन आइटम है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ट्राईहेलो एरिन्स। ये हमारा एरोमेटिक का रिंग है, इसके पास सिक्स हेलोजन आइटम जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा पॉली हेलोजनेटेड कंपाउंड।